हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं 5-6 फाउंडेशन का नाम बताऊँगी, कोई भी आप ले सकते हैं, पिक कर लीजिएगा और अपने मेकअप प्रोडक्ट में उसे शामिल कीजिए। आपका मेकअप काला नहीं होगा, क्योंकि ऑयली स्किन को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मेकअप बहुत ही जल्दी काला हो जाता है, पिघलने लगता है। तो मैं जो फाउंडेशन बताऊँगी उसे आप लगाने से पहले जब भी कोई भी मेकअप कीजिए दोस्तों, तो प्राइमर जरूर लगाइए। वो आपके स्किन को कवर कर देता है, अंडर जो आपके जो पोर्स होते हैं उसको कवर करके बंद कर देता है, जो और उसके बाद ही आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो उससे मेकअप आपका कभी भी काला नहीं होगा। तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, पहला है दोस्तों लॉरियल मैट मास्क करके है, ठीक है। ये मैट फाउंडेशन है, तो पहला वही लॉरियल मैट फाउंडेशन आप ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है। सेकंड नंबर पे है दोस्तों चैम्बर का सी डिलाइट अल्ट्रा ऑयल फ्री। जी हाँ दोस्तों, चैम्बर कंपनी का है ये, आपको मॉल में आसानी से आपको चैम्बर कंपनी, बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है दोस्तों मेकअप का, बहुत ही उसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बेस्ट होते हैं। मैंने अपने पहले मेकअप वीडियो में भी चैम्बर का एक ब्लशर दिखाया थी, वो भी बहुत ही बेस्ट है। तो आप इसका फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है तो बहुत अच्छे से आपके फेस में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑयली स्किन के लिए चैम्बर कंपनी का फाउंडेशन लाइटवेट फाउंडेशन ऑयल फ्री है, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर वो हुआ। थर्ड नंबर पर लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन हुआ। लॉरियल पेरिस का जो फाउंडेशन होता है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, तो आप इसे भी आप यूज कर सकती है। फोर्थ नंबर पर है लैक्मे एब्सोल्यूट का व्हाइट इंटेंस स्किन फाउंडेशन, ठीक है। लैक्मे एब्सोल्यूट व्हाइट फाउंडेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पर आपका ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है दोस्तों। फिर पांचवा आपका है NYX का टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन। ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है, तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस में स्प्रेड हो जाता है। ये आपको Nykaa.com पे मिलेगा दोस्तों। ये अगर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में होता है, बहुत ही जेल फॉर्म में होता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ऑयल ज़्यादा सिक्रेट नहीं करने देता आपके फेस को, नॉर्मल बनाकर रखता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है NYX टोटल कंट्रोल ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद आप ऑयली स्किन के लिए मेरे तरफ से तो बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन अगर आप लेना चाहती हैं तो मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन लीजिए। मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसके ऑयली स्किन है। मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन ये जो मेबलिन फिट मी का मैट पोरलेस फाउंडेशन है उन लोगों ने बहुत ही बेस्ट बताया, ठीक है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं। फिर उसके बाद मेबलिन सुपर स्टे का 24 घंटा फुल कवरेज फाउंडेशन, जो बहुत ज़्यादा लोग फुल कवरेज, जैसे आप शादी में जाना चाहती है फुल कवरेज, तो फिट मी का फुल कवरेज फाउंडेशन भी आता है, मेबलिन का सुपर स्टे करके आता है, 24 घंटा आपके फेस पे स्टे करेगा, ठीक है। तो उसे भी आप ले सकती हैं, लेकिन वो पार्टी शादी के लिए ही ठीक है, नॉर्मल कवरेज देने वाला फाउंडेशन बेस्ट होता है मेरा ये मानना है, क्योंकि जो नेचुरल कलर है उसे ही नेचुरल ही रहने दीजिए, ज़्यादा उसे निखारने की कोशिश कीजिएगा तो वो ओवर लगेगा, ओवर मेकअप लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आप मिलानी का आप फाउंडेशन ले सकती हैं, उसमें आपको कंसीलर और फाउंडेशन प्लस कॉम्पैक्ट तीनों मिक्स है। जैसे मैंने अभी नेक्स्ट पहले वीडियो में बताया था, एक लैक्मे का जो पाउडर आया है उसमें कॉम्पैक्ट प्लस कंसीलर प्लस फाउंडेशन तीनों मिक्स होता है, उसी तरह ये मिलानी का भी अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ही बेस्ट है। और जी हाँ दोस्तों, लैक्मे का भी न्यू लॉन्चेज है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जो लोग ज़्यादा मेकअप का प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं और तो वो आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस करके फाउंडेशन आता है, वो भी बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों, आपके फेस को नेचुरल लुक देता है, सुपर स्टे करता है, बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छे से आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो भी आप बेट एंड वाइल्ड का भी फोटो फोकस फाउंडेशन यूज कर सकती हैं। फिर नायका का स्किन सील्ड करके फाउंडेशन आता है, वो भी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद
लॉरियल का इनफ्लेवल प्रो मैट करके, जैसे मेबलिन का प्रो मैट फाउंडेशन होता है पोरलेस का, तो उसी तरह लॉरियल का भी होता है दोस्तों। तो अगर आप इन सभी फाउंडेशन, मैंने जितना भी अभी मैंने काउंट नहीं किया, 8 से 10 फाउंडेशन जो भी मैंने बताया, उसमें मेरे लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन लॉरियल का इनफ्लेवल टू मैट फाउंडेशन है, या तो आप मेबलिन का मैट फाउंडेशन लीजिए, और या तो आप मिलानी का लीजिए, इसमें आपको कंसीलर प्लस फाउंडेशन प्लस कॉम्पैक्ट तीनों मिक्स है, ये तीनों में से आप कोई भी आप यूज कर सकती है। वैसे ऑयली स्किन के लिए ये जितने भी मैंने बताया सभी बेस्ट है दोस्तों फाउंडेशन, तो आप इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में मेकअप का प्रोडक्ट शेयर किया आप लोग के साथ कि कौन सभी टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बेस्ट है। तो देखिए ऑयली स्किन वाले को क्या होता है कि सिर्फ फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर को ही चेंज करना रहता है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सभी फेस को चलते हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, मैंने फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर का अलग से वीडियो बना दिया ऑयली स्किन वाले को, और बाकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो आप मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स ब्यूटी में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।